नमस्ते फ्रेंड्स, मॉम्स फूडी क्लब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ गुड़ की चाय। इस चाय में मैं चीनी का यूज नहीं करूँगी, चीनी के बदले गुड़ से बनाऊंगी। मैंने एक सस्पेन में एक कप पानी बॉयल होने के लिए गैस पे रख दिया है। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें मैं एक चम्मच चाय पत्ती डालूंगी। चाय पत्ती बॉयल हो चुकी है, अब इसमें मैं एक कप दूध डालूंगी। इसी कप से मैंने एक कप पानी लिया था। आप अपने अनुसार से मिल्क कम या ज्यादा कर सकते हैं। बीच बीच में चाय को चम्मच से चलाते रहेंगे। चलाते रहने से चाय अच्छी बनती है और कड़क बनती है। ये देखिए, इससे चलाते रहेंगे। यदि आपको चाय का कलर फीका लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और चाय पत्ती ऊपर से डाल सकते हैं। इस तरह से बीच बीच में चाय चम्मच की सहायता से चलाते रहना है। अब इसमें कस करके अदरक डालना है ताकि चाय का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। ये देखिए, इस तरह चलाते रहना है। बहुत ही कड़क चाय बनने वाली है। चाय लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। कोई दिन में दो बार, कोई चार बार भी पी लेते हैं। आप जो चार बार चीनी वाली चाय पीते हैं उससे अच्छा आप ये गुड़ वाली एक बार चाय बना के मेरे ट्रिक से देखिए। यदि आपकी चाय फट जाती है तो मेरे बताए अनुसार आप बनाइए चाय और आपकी चाय नहीं फटेगी। एक बार आप जरूर ट्राई करें। ये देखिए चाय कितनी कड़क बन रही है। चाय से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे एक कूटी हुई इलायची। चाय को कम से कम 10 मिनट आप पकाइए, जिससे चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। 10 मिनट हो चुका है, अब चाय बनके तैयार हो चुका है। अब इसे मैं छान लूंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे गुड़ तो डाला है। कोई बात नहीं, मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। गैस को ऑफ कर देना है। अब इसमें डालूंगी मैं गुड़ पाउडर। आप कोई भी गुड़ चाय में डाल सकते हैं और आप गुड़ अपने अनुसार कम मीठा या ज़्यादा डाल सकते हैं और आप इसको मिला लेंगे। आपके पास जो गुड़ उपलब्ध है आप उसी से चाय बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको गुड़ पाउडर से ही बनाना है, बस गुड़ होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जब भी चाय बना रही हैं तो गैस पर आप कभी भी भूल कर भी उबाल आते हुए चाय में आप गुड़ नहीं डालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका चाय फट जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जब चाय को छान रहे हैं तो कप में पहले से गुड़ डाल के नहीं रखें। यदि मान लीजिए आप कप में गुड़ डाल के रखे हैं और ऊपर से आप चाय को छान लिए तो आपका चाय फट जाएगा। इसीलिए कभी भी आप गुड़ वाली चाय बनाए तो पहले कप में चाय को छान लें, उसके बाद ऊपर से गुड़ को मिलाएं तो आपका चाय नहीं फटे। तो देखिए, गुड़ वाली कड़क अदरक चाय बनके तैयार है। यदि आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।